बोर्ड विजिबल हो गया आप लोगों को? हमें यस मैम। एप्लीकेशंस कर रहे थे, हमें आज कौन सी एप्लीकेशन करनी है? डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कि हम कंसंट्रेशन सेल्स की हेल्प से पीएच सॉल्यूशन का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। पीएच सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला आपको पता ही हो, माइनस लो एएच का लो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस लो एएच। अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। माइनस को अंदर ले जाओगे तो लो 1/pH या फिर लो 1/CH। अब पोटेंशियोमेट्री के लिए हमारे पास मेथड्स हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ एच को डिटरमाइन कर सकें। पोटेंशियोमेट्री के लिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एप्लीकेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे पोटेंशियोमेट्री के लिए मतलब होता है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाकर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकें, ठीक है? आपके पास कौन कौन सी इलेक्ट्रोड हैं जो रिवर्सिबल हैं एच पॉजिटिव के रिस्पेक्ट? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इन तीनों टाइप की इलेक्ट्रोड यूज करके हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इन तीनों को किसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप प्लैटिनम वायर हाइड्रोजन गैस के राउंड बर्कल एच पॉजिटिव हमारी क्या है, अननोन कंसेंट्रेशन। ये हमारा क्या हो गया, एनोडिक कंपार्टमेंट। सॉल्ट फ्यूज लगाया, फिर हमें क्या रखना है, कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमने इस बार क्या यूज किया है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, पीसीएल का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मरकस क्लोराइड एंड मरकरी। आपको रिएक्शन पता है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन पता है ना, हाइड्रोजन। देखो यहाँ हाइड्रोजन पर होगा ऑक्सीडेशन क्योंकि एज ए एनोड प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है अननोन सिचुएशन पे, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, उसकी रिडक्शन रिएक्शन। तो अब आपको इसके लिए हाइड्रोजन की क्या लिखनी पड़ेगी, रिडक्शन रिएक्शन। वो आपको पता ही है क्या होती है, एच पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है आप एच टू में, राइट? अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप इस इक्वेशन पर नन्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 आर टी बाय एन एफ लोग एच पॉजिटिव, राइट? अब आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट क्या होता है, जीरो होता है। ई नोट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वो आपने पुट कर दी 2.303 आर टी बाय एन एफ लोग एच पॉजिटिव। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो एन के, एन की वैल्यू भी पता आपको 1 है, बाकी सब क्या है, कॉन्स्टेंट। इनकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो तो क्या आता है, 0.059 लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है? अब आप क्या करो, ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करो। ईएमएफ ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता ही है कितना होता है, 0.2415 माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, है ना? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए हम क्या आया हमारा, माइनस 0.059 पीएच। पीएच हमने कैसे लिखा है, देखो यहाँ आपके पास क्या था, लोग एच, और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लोग एच। तो यहाँ अगर एक माइनस साइन लगा दे हम तो ये पीएच बन जाएगा, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, माइनस 0.059 पीएच का माइनस माइनस प्लस। अब आप इस इक्वेशन से पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास सेल का ईएमएफ है जो आप पोटेंशियोमेट्री के लिए मेथड से कैलकुलेट करोगे, जो सेल बना के आप मेजर करोगे, अगर इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। आया समझ में? यस मैम। ऐसे ही अब देखो इसकी कुछ मेरिट्स है और डीमेरिट्स है कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने की अपनी मेरिट्स है, ठीक है? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देती है पीएच की, जबकि अदर इलेक्ट्रोड्स क्या कैसे देती हैं, रिलेटिव वैल्यूज देते हैं, लेकिन फिर भी पीएच का मेजर करने में ये थोड़ी सी अनकन्वीनियंट होती है। क्यों, देखो एक तो इसमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, अब गैस
तो जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का सेटअप चाहिए कि आप उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। ठीक, तो वो प्रैक्टिकली स्मॉल स्केल पे करना मुश्किल हो जाता है ना। दूसरा क्या है कि आपको कंसिडरेबल वॉल्यूम चाहिए होती है टेस्ट सॉल्यूशन की, अच्छी खासी, मतलब आपको काफी वॉल्यूम चाहिए जिस सॉल्यूशन का पीएच आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आपने जो सॉल्यूशन डाल दिया सेल में है ना, तो वो में पॉसिबल है कि वो पॉइजन हो जाए, क्योंकि उसमें हमने क्या डिप करना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, तो मे बी पॉसिबल है कि वो सॉल्यूशन पॉइजनस हो जाए, तो अब हम उस सॉल्यूशन को भी दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके गैस के प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, यानी हमें थ्रू आउट द प्रोसेस एक कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा भी अगर आपका चेंज हो जाए तो आपका रिजल्ट डिफर कर जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है यूजिंग क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो ये होता है क्विनोन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर, इस तरह से बेंजीन तो नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सिल डाल दिए है ना, उसके ऊपर अपोजिट पोजीशन पे दोनों दो ऑक्सीजन अटैच है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना लेता है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई, ये इसकी रिडक्शन रिएक्शन, देखो फॉरवर्ड में देखोगे आप इसे ये रिडक्शन रिएक्शन है, बैकवर्ड से देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल पीएच का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो आप उस इक्वेशन पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, तो EQ is equal to EQ not plus 2.303 RT by NF log। देखो आपने प्लस यूज किया तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स में किसकी आएगी, Q की, H पॉजिटिव का स्क्वायर और प्रोडक्ट में QH है ना, यही सब हमने देख लिया है, क्यों और क्यों H2 की हम रेशियो को हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, प्योर प्योर लिक्विड चाहिए तो हमारे पास क्या बच गई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बच गई। ठीक है, अब क्विन हाइड्रोन का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अब आप इस सारे को क्या करो, सॉल्व कर दो, N की वैल्यू 1 है आपने पुट कर दी, उसके बाद आप इस सारे को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, log H। EQ is equal to E naught Q plus 0.0591 log H positive at 25 degree Celsius। अब आप H positive को pH में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है ना, माइनस pH आ जाएगा। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्विन हाइड्रोन का पता है कितना होता है, 0.6996, यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करोगे, क्विन हाइड्रोन और कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेल लगा, आपके पास क्विन हाइड्रोन का इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला आ गया है, देखो ये आ गया आपके पास क्विन हाइड्रोन के इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला। अब आपने क्या किया, उसे सेल बना लिया कैलोमल इलेक्ट्रोड के वजह से, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड अब की बार एज ए एनोड काम करेगा और क्विन हाइड्रोन अब की बार एज ए कैथोड काम करेगा। तो अगर हमें सेल का ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट ना, फिर हम क्या बोल सकते हैं, EQ माइनस कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला दे दिया आपने, राइट किया आपने वो वैल्यू पुट कर दी, कैलोमल इलेक्ट्रोड की ईएमएफ की वैल्यू होती है 0.2415, वो वैल्यू आपने पुट कर दी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पीएच के लिए, कैसे, 0.696 से 2.2415 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.4581। ठीक है, अच्छा पीएच वाली टर्म को यहाँ ले जाओ, ई सेल वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, फिर इसको डिवाइड में ले जाओ, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा पीएच का सेल। आया समझ में? यस मैम। अब इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, क्या है कि क्विन हाइड्रोन को हम इजिली सेटअप कर सकते हैं बाय इमर्सिंग अ प्लैटिनम स्ट्रिप इन द टेस्ट सॉल्यूशन विद एडिंग अ पिंच ऑफ क्विन हाइड्रोन टू द टेस्ट सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, क्विन हाइड्रोन हमारे लिए सेटअप कर देते हैं, जैसे क्या करना है आपको, सिर्फ जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है मतलब जिस सॉल्यूशन का पीएच आपको निकालना है उसमें एक प्लैटिनम की वायर स्ट्रिप डिप कर दो और उसमें
थोड़ा सा क्विनहाइड्रोन ऐड कर सकते हैं, आपकी क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर हो जाती है। पर इसकी प्रिपरेशन के बावजूद, इतना इजी होने के बावजूद, ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देती अगर सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 8.5 हो, क्योंकि उसके बाद फिर हाइड्रोक्विनोन का ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है। जब प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोक्विनोन मिलता है इससे ज्यादा पीएच पे, यानी 8.5 ज्यादा पीएच पे क्या होने लगता है, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट वस्ती है वो क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक ग्लास वेसल को हम वन नॉर्मल एक्सियल सॉल्यूशन से फिल कर देते हैं। ठीक है, उसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं एक्सियल सॉल्यूशन में, और जो लोअर बल्ब होता है वो बहुत ही थिन ग्लास का बना होता है, आप यूं लगा लो बहुत पतला सा ग्लास होता है, कि जैसे आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो थिन ग्लास आपका एक ग्लास मेम्ब्रेन की तरह बनता है। ठीक है, अब अगर हमें ग्लास मेम्ब्रेन की हेल्प से हमें पीएच मेजर करना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउटसाइड द ग्लास सरफेस, वो क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं हम, इसकी हेल्प से हम पीएच मेजर कर पाते हैं आपके टेस्ट सॉल्यूशन का। इस टाइप से हम बनाते हैं, क्या किया है हमने, ये आपकी गैस इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है आपकी, इसमें आपने क्या किया, लेड सिल्वर की या प्लेटिनम की वायर हम डिप कर देते हैं इस ग्लास के अंदर, वन नॉर्मल एक्सेल सॉल्यूशन फिल कर दो। अच्छा, अब इस बाहर जो दिखा हुआ है इसमें वो सॉल्यूशन है जिसका हमें पीएच कैलकुलेट करना है, और इसे कैलोमर इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट करके पोटेंशियोमीटर हमने लगा दिया ईएमएफ सेल नोट करने के लिए। ये आपका ग्लास इलेक्ट्रोड का क्या है, सेटअप है। ठीक है, अब आप कैसे मेजर करोगे ग्लास इलेक्ट्रोड का से पीएच वगैरह, देखो नाइनस इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो ग्लास इलेक्ट्रोड पे, तो वही आपका एचसीएल वाली कंसंट्रेशन चलती है, एचसीएल वाली रिएक्शन चलेगी, तो एच पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाफ H2। उसके ऊपर आपने क्या करना है, नाइनस इक्वेशन अप्लाई करी, तो Eg इज इक्वल टू Eg नॉट, अगर सारी वैल्यूज हम पुट कर दें तो क्या आ जाता है, 0.059 लॉग एच पॉजिटिव। अब लॉग एच पॉजिटिव आपको पता है माइनस पीएच से हम रिप्लेस कर देते हैं। अब E नॉट जी है तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ग्लास इलेक्ट्रोड का, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आपने जो ग्लास बनाया, ग्लास यूज किया है इलेक्ट्रोड बनाने में, और जिस टाइप का ग्लास इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है उसका मेजर करता है। दूसरा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, बल्ब में जो आपने एचसीएल लिया है, बाहर वाला नहीं, देखो ये नहीं, जो इस बल्ब के अंदर आपका पीएच है, यहाँ जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है उस पर डिपेंड करता है आपका ई है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वही ग्लास इलेक्ट्रोड को कपल कर दिया कैलोमर इलेक्ट्रोड के साथ, एक सेल बन गया। देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, प्लेटिनम वन मोलर एचसीएल ग्लास सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच सॉल्ट विद कैलोमर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड आपने लगा। अब आपको पता फॉर्मूला क्या होगा ईएमएफ ऑफ द सेल का, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट में क्या है आपके कैलोमर इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में क्या है ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको कैलोमर इलेक्ट्रोड का पता है वैल्यू, ग्लास इलेक्ट्रोड की हमने यहाँ से पुट कर, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये वाली प्लस हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, प्लस की वैल्यू। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, पीएच के लिए इसको सॉल्व करोगे, तो क्या करें, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, कैलोमर ई कैलोमर को लेके जाओगे माइनस की टर्म हो जाएगी, ई नॉट जी प्लस की टर्म हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.051 आपका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इसकी क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ग्लास रोड हमारी यूनिवर्सली यूज होती है पीएच सॉल्यूशन को मेजर करने। क्यों, देखो एक तो ये सिंपल है ऑपरेट करने के लिए, ग्लास इलेक्ट्रोड है ना, नॉर्मली है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, ना ही जो हम HCl सॉल्यूशन टेस्ट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो पॉइजनस हो रहा है, क्योंकि प्लेटिनम वायर क्या है उस ग्लास के अंदर है, तो अब वो HCl को पॉइजन नहीं कर सकती।
अगर आप इसमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हो तो भी इसकी एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और इन मेरिट्स की वजह से ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग भी यूनिवर्सली यूज्ड होता है। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट, अब आपका ये क्या हुआ, एप्लीकेशन पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो अब आपका पार्ट आएगा, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक और एप्लीकेशन हमें इसकी पढ़नी है। देखो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये चौथा सॉल्यूशन ये एप्लीकेशन आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अभी आपने सेल कंसंट्रेशन सेल्स पढ़े थे विद और विदाउट ट्रांसफरेंस, उसमें ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा काम आई थी, तो हम सेल्स की हेल्प से उस ट्रांसपोर्ट नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल विद ट्रांसफरेंस बनाया, राइट, आपने एक सेल विद ट्रांसफरेंस बनाया है ना, जैसे H2 गैस लिया आपने, HCl1 एक्टिविटी का लिया, A1 एक्टिविटी का, ये हमारे सारे परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, HCl A2 एक्टिविटी का, H2 गैस। ठीक है, इस सेल के लिए आपको EMF की वैल्यू पता है ना, इस सेल के लिए आपको EMF का फॉर्मूला पता है, यह था आपका T-RT/FLN2/T। अगर आपको EMF सेल का पता है, एक्टिविटीज पता है कैटायन और एनायन, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कैलकुलेट हो जाता है तो क्या आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो। और भी हम क्या कर सकते हैं, आप क्या बनाओ, आपने एक सेल बना लिया, इसी सेल को आप विदाउट ट्रांसपेरेंस बना लो, सेम सेल है, आपने विद ट्रांसफरेंस बनाया, अब आप क्या करो विदाउट ट्रांसफरेंस बना दो, मगीत में सॉल्ट फ्यूज लगा दो, तो उसके लिए आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला ये है ना। अब दोनों फॉर्मूले में जो विदाउट विद ट्रांसफरेंस था और विदाउट ट्रांसफरेंस था, दोनों फॉर्मूले में एक्टिविटी को मीन आयनिक एक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपने इसमें मीन आयनिक एक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों का स्क्वायर है पर लॉग की प्रॉपर्टी है, आगे चला जाएगा तो, है ना, आपके पास ये क्या बन गया, ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में अगर आप एक्टिविटी को मीन आयनिक एक्टिविटी से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे तो देखो ये टर्म ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2t नेगेटिव। यानी अगर आपके पास सेम सिस्टम है, आप एक बार उसे सेल विद ट्रांसफरेंस बना के ईएमएफ नोट कर लो, ठीक है, एक बार विदाउट ट्रांसफरेंस बना के ईएमएफ नोट कर लो और दोनों का रेशियो ले लो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2t नेगेटिव, दैट मींस आपके पास ट्वाइस ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर भी कैटायन और एनायन का कैलकुलेट कर सकते हैं। एनायन का कर लेंगे तो कैटायन का तो हम कर ही सकते हैं, 1 माइनस करके। समझ में आया मैम? फोर्थ इक्वेशन नहीं आई समझ में। समझ में आया ये वाला टॉपिक? आंसर करो एक बार, समझ में आया? यस मैम। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन करिए आप सब ने, है ना, एसिड ब्यूरेट में बेस लेके, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लेके आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालते हो, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर वगैरह आप यूज करके क्या करते हो, टाइट्रेशन करते हो, तो एंड पॉइंट नोट करते हो, है ना, और सिर्फ वॉल्यूम यूज्ड फॉर बेस लेके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, चाहे आपको अच्छे से निकालनी हो या एच
तो मेनली हम जब टाइटेशन करते हैं तो हमें एंड पॉइंट पता करना होता है, हमें ये वॉल्यूम निकालनी होती है कि कितनी हमारी वॉल्यूम यूज हो रही है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हमारे पास इंडिकेटर नहीं है, या हम टाइटेशन कर रहे हैं हमारे पास इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं है, तो या फिर कलरलेस जो सोल्यूशन है जो कलर चेंज शो नहीं करते, मेनली उस टाइप की टाइटेशन के लिए हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। वैसे तो जो हमारे पास नॉर्मल इंडिकेटर वाली ही होते हैं जिनके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं, उनको भी हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन गिवन बाय द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। यानी हम पोटेंशियल का मेजरमेंट करके ये बताते हैं कि कितना क्वांटिटी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस सब्सटेंस। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर आपकी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड है? आपका जो एंड पॉइंट आता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में वो डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपको किसी रिएक्शन में एंड पॉइंट आता है तो जो आपका EMF है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें एक सडन चेंज होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड इसमें यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरी इंडिकेटर। तो जब आपका एंड पॉइंट आता है रिएक्शन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, उसको आप क्या करना है, आप करते कैसे उसे, आपको जो सॉल्यूशन टेस्ट करना है यानी जिस सॉल्यूशन को आप ऑपरेट करना चाहते हो, ठीक है, आप उसके अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिप्स करते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिप करते हो, एक पूरा कंप्लीट सेल बनाते हो, उससे दोनों इलेक्ट्रोड से पोटेंशियोमीटर ज्वाइन करते हो। क्या करोगे, आपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ली, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे करोगे, आपको मान लिया आपके पास ये HCl का सॉल्यूशन है, आपको इसको टाइट्रेट करना है NaOH के अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे, इसमें एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिप करोगी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिप करोगी। ठीक है, डिप कर दी, दोनों को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दोगे, यानी यहाँ आपको वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, आपने कर दिया, एक सेल आपका प्रिपेयर हो गया, कोई वोल्टेज दिखनी आपको स्टार्टिंग में शुरू होगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ ब्यूरेट लगाओगे और आप NaOH ऐड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे, जैसे ड्रॉप वाइज हम कॉनिकल क्लास में ऐड करते हैं, आप देखोगे कि यहाँ EMF की वैल्यू चेंज होती रही। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक एक ML ऐड करोगे, EMF की वैल्यू नोट करते जाओगे। आपने एक ML ऐड किया, स्टिल किया, EMF की वैल्यू नोट करी, एक ML ऐड किया, EMF की वैल्यू नोट करी। ठीक है, ऐसे ही आप करते जाओगे। ठीक है, आपने कर लिया, सारी नोट कर ली। जब आप रीडिंग को स्टडी करोगे, रीडिंग का ग्राफ बनाओगे, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे सडन चेंज आएगा। ठीक है, और वही आपका क्या होगा, एंड पॉइंट। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का, कि जो रिएक्शन जो एंड पॉइंट है रिएक्शन का वो किससे डिटरमाइन हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोड पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। आपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को किसमें डिप किया, जिस सॉल्यूशन में आपको टाइट्रेशन करना, टाइट्रेट करना है, जिस सॉल्यूशन को आप टाइट्रेशन टाइट्रेट करना चाहते हो, उससे किससे पेयर कर दिया, एक रेफरेंस किया। जैसे जैसे आपकी टाइट्रेशन हो रही है, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो सॉल्यूशन में है वो चेंज हो रही है, और इंडिकेटर EMF का EMF ग्रेजुअली चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इन तीनों टाइप की टाइप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को हमें स्टडी करना है। ठीक है, ये हम कल करेंगे। ठीक, कल तीनों, कल एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कैसे पोटेंशियोमेट्रिकली हम करते हैं। ठीक है, समझ में आया आज के टॉपिक्स? यस मैम।